सबके अंदर एक और बड़ी मुनफरद चीज है जो जानवर में नहीं है, वो है जमीर, कॉन्शियंस। अच्छा, कॉन्शियंस की ब्यूटी ये है कि जब रब ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने मुकम्मल बनाया। रूहें तो हमारी हजारों साल पहले पैदा कर दी गई थी, तख्लीक कर दी गई थी और हमसे वादा भी ले लिया गया। ये तो जब हमें जसद खाकी के अंदर फूंका गया तो हम बहुत चीजें भूल गए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि देखें जी, ये फोन है, बड़ा सिंपल है, सब आजकल यूज करते हैं। अब ये फोन जब मैन्युफैक्चरर हो गया तो अब इसको इस्तेमाल करने के लिए ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि जी चार्ज हो गया। अब उसके बाद आपने अगर मुझे फोन करना है तो मेरे फोन के अंदर सिम होना लाजमी है, एक्टिव सिम, और आपके पास मेरा नंबर होना लाजमी है। अब आप जब फोन करेंगे नतीजतन मेरा फोन बजेगा, राइट। अब जब मेरा फोन बजेगा मेरे पास तीन ऑप्शंस है, या उसको रिंगर में बढ़ा दूं, या उसको मैं बजर पे कर दूं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है फोन, या म्यूट कर दूं। लेकिन यह बात तय है कि वो फोन बजेगा, बजेगा। जमीर भी इसी तरीके से होता है। अल्लाह ताला ने आपको दे तो दिया डिफॉल्ट, ये आपके ऊपर उसने छोड़ दिया कि आप उसको रिंगर लाउड करते हैं कि कैसे डिकोड करते हैं। फोन सबके बज रहे हैं, याद रखिएगा। वेरी नाइस। एवरीवन इज रिसीविंग दैट कॉल, एंड दैट कॉल इज द कॉल ऑफ कॉन्शियंस। लिहाजा जब मैं कह रहा था कि ऑल गुड एंड ऑल इवल और ऑल बैड वॉज इन द कॉन्टेक्स्ट, कि वो आइडिया गन पाउडर सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था, वो तो मार्को पोलो ने उसका दूसरा उसको आइडिया है ना, और उससे फिर इवेंचुअली इट लेड टू ऑल द डिवास्टेशन एंड ओइंग ऑल द वे अप टू हिरोशिमा एंड नागासाकी, द एटॉमिक बॉम्ब्स, द मैसिव डिस्ट्रक्शन। सो इकबाल कैसे कहता है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम में, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। Right. So this is how I see it.